चलिए बात करते हैं नीमच कृषि उपज मंडी के भाव के बारे में। बात की जाए गेहूं की तो गेहूं 2319 से 3069 रहा, मक्का 1780 से 2120 के बीच रहा, उड़द 4800 से 8508 रहा, चना 4650 से 5426 रहा, डॉलर चना 10000 से 14000 के बीच रहा। वहीं आगे हम बात करें सोयाबीन की तो सोयाबीन 3490 से 5041 रहा, रायड़ा 4880 से 5410 रहा, मूंगफली 5850 से 7753 के बीच रही, पोस्ता 90,000 से 1,34,100 के बीच रहा, वहीं मेथी 5,500 से 9,211 के बीच रही। आगे हम बात करें अलसी की तो अलसी 4,870 से 5,450 रही, धनिया 5,900 से 8,100 रहा, अजवाइन 7,900 से 18,810 रहा। वहीं आगे हम बात करें इसबगोल की तो इसबगोल 15,640 से 26,100 के बीच रहा। वहीं आगे हम बात करें असगन की तो असगन 9,400 से 31,400 के बीच रहा। वहीं लहसुन 5,250 से 16,500 रहा, वहीं जो 1652 से 1791 के बीच रहा। मसूर की बात की जाए तो मसूर 5,200 से 6,091 रहा, कलौंजी 13,000 से 17,461 के बीच रही, तिल्ली 13,651 से 17,000 के बीच रही, जीरा 58,000 से 58,000 के बीच रहा। वहीं आगे हम बात करें तुलसी बीज की तो तुलसी बीज 10,300 से 24,000 के बीच रही, वहीं प्याज 530 से 2,135 के बीच रहा। ये था आज का नीमच कृषि उपज मंडी का भाव। लगातार जानकारी के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।